उत्सव सदा हर वक्त हो रहा है। ये राम जी का ही खास जगह है। राम जी इधर का न दुनिया का प्रधान पुरुष है, तो ये अपना अपना जगह के लिए बना रहा है। अपना जो जगह है ये सुरसा राज का जगह है, वो देव मंदिर राम जी का मंदिर है, तो ये गुरु जी का इच्छा है, तो गुरु जी हम लोग को ये समर्पण करके दिया और इसको ठीक ठाक मेंटेनेंस हो जाए, ये गुरु जी का इच्छा था। तो हम लोग भी इसके लिए कोशिश करता हूँ। बहुत भगत जगह जगह से आ रहा है, अभी भी देखो उधर आ गया सब जबलपुर से, और जगह जगह से आ रहा है। इधर हम लोग रामोत्सव, मतलब ये अपना जो आश्रम है ये नाम श्री राम जानकी मंदिर, इसका नाम गुरु जी ने जो रखा था श्री राम जानकी मंदिर, ये राम जानकी मंदिर का कुछ झीले ढला हो गया था, तो अभी गुरु जी का कृपा से हम लोग एक मेरा गुरु जी का परम भगत है प्रेरणा चटर्जी, उसने इधर आके कुछ प्राण संचार किया, इसको जीवन किया, उज्जीवित किया। तो ये अपना काम है। ये रामोत्सव तो पूरा दुनिया में होता है, एक तो राम ही है, रामचंद्र का कौन है, एक राम दशरथ की बेटा वही राम घट घट में लोटा, वही राम सबसे न्यारा। तो ए राम जी तो बात ठीक है, लेकिन अपना तरफ से ये आश्रम का तरफ से गुरु जी हम लोग को जो समर्पण किया था इसका देखभाल, इसको भगवान का नाम से उद्धार करना, भगत लोग जो आएगा उसको भी नाम का रास्ता दिखाना, राम नाम का रास्ता दिखाना, और गुरु जी ने हरे कृष्ण नाम का प्रचार प्रसार किया। गुरु जी 6 साल उम्र में हमारा जो गुरु जी भगवान अमरनाथ देव, उनको शिव जी का दर्शन मिला। 26 साल उम्र में फिर शिव जी आके बोला, बचपन में आया था तुमको पहचान में नहीं आया, फिर आ गया, बोला आप कौन है, मैं गुरु है, तो मेरा इष्ट कौन है दिखाओ।